नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। वक्त हो चला है 5 मिनट 25 बड़ी खबरों का। मुंबई के मलाड में 4 मंजिला इमारत गिरी, हादसे में 8 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत, 7 लोग हुए घायल। पहली बार सेना की 2 महिला अधिकारी उड़ाएंगी लड़ाकू विमान, नासिक में दिया जाएगा प्रशिक्षण। बारिश से बेहाल मुंबई, कई रूट्स पर लोकल सेवाएं ठप, अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की तैयारी में है सरकारें, हर राज्य में बन रहे हैं विशेष कोरोना वार्ड। ट्विटर हफ्ते भर में नियुक्त करेगा मुख्य अनुपालन अधिकारी, नई गाइडलाइन मानने का करेंगे हर संभव प्रयास। पाकिस्तान में पोलियो टीकाकरण अभियान के दौरान गोलाबारी, 2 पुलिसकर्मियों की हुई मौत। अमेरिका के डॉक्टर फासी ने किया आगाह, कहा अत्यधिक संक्रामक है डेल्टा वेरिएंट, अमेरिका में 6% से ज्यादा केस। प्रतिबंधित पाकिस्तान पत्रकार हामिद मीर ने मांगी माफी, कहा सेना की छवि धूमिल करने का नहीं था इरादा। G7 में हिस्सा लेने ब्रिटेन पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, पद संभालने के बाद की पहली विदेश यात्रा। फाइजर से कोरोना वैक्सीन की 50 करोड़ डोज खरीदेगा अमेरिका, 92 करीब देशों में होगा इसका वितरण। सोनभद्र में ट्रक की चपेट में आकर युवक की मौत, युवक की मौत से परिजनों में मचा कोहरा। बदायूं में लेंटर डालने जा रही मशीन पलटी, आधा दर्जन लोग मशीन में दबे, 1 की मौत, वहीं 2 लोग की हालत बनी हुई है गंभीर। आगरा पुलिस ने युवक की हत्या का किया खुलासा, हत्या के आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। यूपी वासियों को मिली गर्मी से राहत, लखनऊ और आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश। आगरा में हाईवे से खड़े टैंक कैंटर से टकराई रोडवेज बस, हादसे में 4 लोगों की मौत, वहीं 12 यात्री हुए घायल। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच आज से शुरू होगा 2रा टेस्ट मैच, कीवी कप्तान नहीं खेलेंगे मुकाबला। बीसीसीआई ने की घोषणा, 19 सितंबर से फिर शुरू होगा आईपीएल का रोमांच, 15 अक्टूबर को खेला जाएगा फाइनल मैच। टीम इंडिया ने शुरू की ग्रुप ट्रेनिंग, कप्तान विराट कोहली ने शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा के साथ शेयर की तस्वीर। श्रीलंका दौरे के लिए चुनी जा सकती है 24 सदस्यीय टीम, 15 जून तक की जा सकती है टीम की घोषणा। एक सेट गंवाने के बावजूद फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे राफेल नडाल, खिताबी जीत के ओर बढ़ाया कदम। रामायण पर बन रही फिल्म में सीता का किरदार निभाएंगी करीना, राइटर विजेंद्र प्रसाद ने की इसकी जानकारी। फिल्म रक्षाबंधन में अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगी भूमि पर्नेकर, सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी इसकी जानकारी। अनिल कपूर ने शेयर की बेटी सोनम कपूर के बचपन की तस्वीरें, सोनम की कुछ खूबियों का किया जिक्र। महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभा सकती हैं रिया चक्रवर्ती, अभी नहीं की गई आधिकारिक घोषणा।
टेलीविजन एक्ट्रेस सविका गौर का बड़ा फैसला, गोरेपन को बढ़ावा देने वाली क्रीम का नहीं करेंगे विज्ञापन। फिलहाल के लिए इतना ही। देशभर की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।